शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ मेरे लेकर मंगलसूत्र पहनाया था इसे। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? पांव से खून टपकता था पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। शादी सिर्फ सात फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? मेरी देवी जैसी बहन को लोगों ने वेश्या बनाकर रख दिया सर। बड़े भाग्यवान हो चुके बाबू जो ऐसी जीवन संगिनी मिली आपको। योर पासपोर्ट प्लीज। अब वन मेगा बैक मुझे उसकी जरूरत है। आई रियलाइज मुझे लग रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। चलिए डैड मेगा को वापस ले आते हैं। क्यों? 6 महीने का एग्रीमेंट और करना है उसके साथ? पापा वैसे मेगा ना माने तो किसी दूसरी को ले आएंगे पुत्र। अपने ऑफिस में एक टाइपिस्ट से अभी शादी नहीं हुई उसकी। तू कहे तो बात करूं उसके साथ, और शादी के बाद छोड़ भी देगा तो भी मेगा की तरह दुखी नहीं होगी वो। डैड आपको बल्कि अब एक एक महीने का एग्रीमेंट बनाना। 1 महीने में जी भर जाए तो फौरन दूसरी। क्या ख्याल है तेरा? मरे हुए को और क्यों मार रहे हो साहब? कौन मरा है? ये मरा है? और इसे शादी करने की भूल करके दिन रात इसकी सेवा करके इसे नई जिंदगी देने वाली वो परी लड़की मेघा मरी है। कैसी नजरों से देखा था उसने मुझे पता है तुम्हें? जैसे कह रही हो डैडी आपने आपने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर डाला। उस पल में मैं मर गया था। मैं इसका क्या है? ये तो हमें मार के फिर चला जाएगा अमेरिका। तू जा बेटा, तू जा, खुश रह, हम तेरे बगैर जी मर लेंगे। तू जा, जा मजे कर। नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये रहा मेरा पासपोर्ट, इसे फाड़ कर फेंक दीजिए। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है डैड। मैं बदल गया हूं। आई स्वेयर डैड मैं सचमुच बदल गया हूं। अगर तू सचमुच बदल गया है तो मुझे नहीं उसको यकीन दिला, क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं बहू के पास जाकर उससे आंखें मिला सकूं। ओके डैड मैं खुद ही जाता हूं। तू जाता है या मैं चप्पल निकालूं? चप्पल मौसी, चप्पल। 7 times बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को चप्पल दिखाने का मतलब यह होता है कि तू वाकई अपसेट है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तेरा गुस्सा कट होके सेट हो जाएगा तब तेरा ये सेवक यशवंत कुमार 24 hours तेरी सर्विस में तैयार खड़ा मिलेगा। अरे मैं घर आनी। उसने समझा यशवंत है। माफ तो आप लोगों को करना माची। मेगा आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो अपने घर चलो। घर? तुम्हारे अपने घर। चले पर नमक तो ये है माँ, दिल के टुकड़े करने के बाद अब कागज के टुकड़े करके दिखा रहे हैं। नहीं मेगा मैं वो विजय नहीं हूं, मैं बदल गया। आप नहीं, आपका मूड बदला होगा मिस्टर विजय। तब घर से निकालने का मूड था, अब वापस बुलाने का मूड है। तो जब आप कहे उठो मैं उठ जाऊं, बैठो तो मैं बैठ जाऊं, सो जाऊं कहे तो मैं सो जाऊं। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं मिस्टर विजय। मेरा भी अपना कोई वजूद है, आत्म सम्मान है। फीलिंग सिर्फ आप ही को नहीं मुझे भी होती है। मैंने जब खाना बनाया तो हेड कुक बना दिया, सेवा की तो हेड नर्स बना दिया। अरे जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाए या दूध पिलाए उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बराबरी आया से नहीं करनी चाहिए। पत्नी अगर पति की सेवा करे तो उसे प्यार देना चाहिए, मेडल या सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं जान गई हूँ
कि आप में प्यार करने की काबिलियत ही नहीं है। जिस दिन आपने ये कहा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स पैदा नहीं है, उस दिन मेरी फीलिंग्स भी आपके लिए खत्म हो गई। फिनिश्ड। मेगा मुझसे गल। मेरे घर आए हैं, चाय पी के जरूर जाइएगा, लेकिन मुझे घर ले जाने की बात मत कीजिएगा। जानता हूं मेरी भूल माफ करने लायक नहीं है, लेकिन इस बूते पर माफी मांग रहा हूं कि पैदा होते ही मेरी मां चल बसी। मां होती तो शायद जान पाता कि औरत क्या होती है। होश संभाला तब से अमेरिका में हूं। ज्यादातर वही औरतें देखने को मिली जो मर्दों का टाइम पास होती है। यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि औरत ही होती है जो आदमी को संभालती है, उसे संवारती है, इंसान बनाती है। और आज जब मैंने समझ लिया तो तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है मेघा, मैं फिर भी निराश नहीं हूं। एक न एक दिन मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मैं सचमुच बदल गया हूं। मैं इंतजार करूंगा मेघा, उस दिन तक जब फिर तुम्हारा मन मेरी तरफ से साफ हो जाए। बाबू बजा तो रहे हो डंका, पर जाना पड़े श्रीलंका। घाटे में चल रही पीआर कॉर्पोरेशन आपने 18 करोड़ रुपए में खरीद ली। खैरातीलाल, 18 करोड़ रुपए तो कम है। अगर इस कंपनी की कीमत 28 करोड़ रुपए होती तो भी मैं खरीद लेता। विजय पुत्र, बन तो रहा है बिरला पर पहुंचना जाना केरला। हेलो, अरे भाई जर्मन में सलीम बोल लिया हूं। महाराज लगता है सलीम का कर्जे के लिए फोन आया है। अरे भाई मेरी बीवी ने मुझे कल फिर पीटा और कहा कि अगर कर्जा दे रखा है तो कर्जा ले। नमस्कार, मैं जर्मन बोल रहा हूँ, इस समय मैं घर पे नहीं हूँ, कृपया अपना मैसेज एक लंबी बीप के बाद छोड़े। ये लंबी बीप कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। ओ महाराज लगता है सलीम का कर्जा जब तक मैं वापस नहीं कर दूंगा ये मुझे चैन से जीने नहीं देगा। ठीक है, मैं भी सनी जी को कॉन्टेक्ट करता हूं। 4 5 6 हेलो जी, सनी जी महाराज है क्या? ओफो, जर्मन फिर से लाइन पे आ गया। मैं जर्मन जर्मन वर्ण बोलते हुए मैं काश्य बोलते काश्य कतर माधव बाबा तुला तापल तर बाबा तुझे पत्र ने काय ने तुझे किती आठवण काढले बाबा कतर माधव देवा। ओजी महाराज लगता है कोई महाराष्ट्रीयन लाइन पे आ गया है। ओजी महाराज मैं सनी जी से बात करना चाहता हूँ। काय कौन सनी बोलते मला हिंदी इतने रे बाबा जरा मराठी तो बोल रहे बाबा ये। ओजी ओजी आप हिंदी में बोलिए, मेरे को मराठी नहीं आती है। मराठी ना ये फोन के लिए तुझा मायला कमरेवर लात घाल तो तुझा भेंड कोळ्या नरसाळ्या ठेव फोन। जय महाराष्ट्र।
जय महाराष्ट्र। ओह थांबा थांबा, मी जर्मन बोलते। हेलो हेलो, इसने मराठी सीख ली। हेलो ऐ कौन बोलो छो भाई? सनी महाराज तिकड़े आहे का? हूँ तो दिनेश शाह भरत गांधी बोलो छो। दिनेश शाह भरत गांधी? ओ महाराज लगता है इस बार कोई गुजराती लाइन पे आ गया है। दिनेश शाह भरत गांधी महाराज, मैं सनी जी से बात करना चाहता हूँ। अरे सनी नहीं बापू, हूँ बोलो छो, तमे गुजराती में बात करो ना, मैंने हिंदी आता नहीं। ओ महाराज अब मैं गुजराती कैसे बोलूं? अरे गुजराती आवता नहीं तो फोन राखे देने, शू काम मारा मगज कहे थे गधेड़ा। फोर फाइव सिक्स सेवन। दिनेश भाई हूँ जर्मन बोलू छू, सनी महाराज छे। हेलो, इसने गुजराती भी सीख ली। जर्मन बोलू छू छू। ऐ कोस्त्र नमन वस्त्र किस्त्र बिस्त्र यंसुर यंसुर शुरेन बांध रखा रे विरे पार लकान जुर मार्ग ऐ करोल बैग पाल के बाजार है वाले आगर अब रत रत था के मरेगा वागर उनसे कुन शुरेन उनसे मोरे मोरेन उन द्रोस्त्रे अला बला कने कुंचा कमीर उन द्रोस्त्रे पुले चुला के लो कुंचा पुरे उन द्रोस्त्रे कुले बिया ऐस प्रोले कुत्ते की मौत मरेगा ऐस प्रोले। ओ महाराज ये कौन सी जबान बोल रहा है? अब इसकी किताब कहाँ से लाऊं? नए मालिक जिंदाबाद, 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 नए मालिक जिंदाबाद। हेलो सर, वेलकम सर, आइए। यह है मिस्टर चौधरी। हेलो सर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। थैंक यू। मिस्टर शेखर चीफ इंजीनियर। थैंक यू। मिस्टर रेड अकाउंटेंट। थैंक यू वेरी मच। आइए सर, आइए। आपकी पर्सनल असिस्टेंट मैडम जी। एमपी जी सर झुका के खड़े हैं जी, माला डालो ना जी। थैंक यू। नमस्ते सर, प्लीज टू मीट यू। मैडम जी एमपी जी हाथ मिलाना चाहती हैं जी, मिला लो ना जी। Thank you.
काली सी आंखें, आंखों में काजल, क्यों ना हो घायल दिल मेरा। छोड़ो जी छोड़ो बातें बनाना, पागल पागल दिल तेरा। धक धक क्यों करता है, मुझ पे ये मरता है, दर्द जिसने तुझे ले दिया है, मेरी बिंदिया। काजल लगा लो सनम, सुर्ख चेहरे पे जुल्फे गिरा लो सनम, तेरे कालों पे जो काला तिल है वही मेरा दिल है, वही मेरा दिल है, वही मेरा दिल है, वही मेरा दिल है। Not a bad beginning, Jaman. जी। Yes, Jaman. जरा देखकर तो आप मेगा का मूड कैसा है? बर्बाद हो गए आपके 18 करोड़, तो सिर्फ हाथ मिलाई के चक्कर में डूब गए। क्यों, क्या हुआ? उसी आपकी पत्नी जी तो इस्तीफा लिख रही है, रेजिग्नेशन। महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आपकी पत्नी पिघलने वाली नहीं है, दिल पत्थर है उनका, सॉलिड पत्थर। उसी महाराज, तू नीचे छुट जा। हरे भाई, उसी महाराज, ठीक है, आप भी बैठ जाओ। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। Excuse me, sir. लाओ, इस्तीफा देने आई हो? Come on, give it. Come on. मैं इस्तीफा क्यों दूं? इसलिए कि अब डेली तुम्हें मेरे सामने रहना होगा, और शायद तुम्हें डर भी लग रहा होगा कि अगर किसी दिन तुम्हारा अपने दिल पर काबू न रहे और शायद तुम... आप ये भूल रहे हैं कि आप मेरे घर तक आए थे और तब भी मैंने आपको इनकार कर दिया था। हाँ, वो तो किया था, लेकिन फिर भी ये समझ कर चलना कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, सिर्फ बॉस हूँ, और तुम मेरी सिर्फ पीए हो, ये सोचकर मेरे पास काम करने की हिम्मत है तुम्हें? Yes, definitely. तो फिर तुम अंदर क्यों आई हो? बाहर जो आपने मेरे साथ बर्ताव किया उसके बारे में वार्निंग देने आई हूँ कि यहाँ मैं सिर्फ आपकी पीए हूँ, पत्नी नहीं जो आप मेरा हाथ दबाएं, पैर दबाएं। इन फ्यूचर बी केयरफुल। उसी कैंसिल हो गया इस्तीफा। उसी महाराज, मुबारक हो, आपकी लव स्टोरी की शुरुआत तो एकदम 1942 जैसी हुई है। मेघा, ये क्या कर रही है? कीड़े लगी हुई सब्जियां पतीले में डाल रही है और अच्छी सारी नीचे फेंक रही है। मैंने ठीक से देखा नहीं माँ। ये तब होता है जब आदमी कहीं होता है और उसका मन कहीं और होता है। चल उठ, मैं करती हूँ। नहीं माँ, मैं कर लूंगी। सब्जी खराब हो तो उसे फेंक देते हैं, लेकिन आदमी खराब है कह के उसे फेंकते नहीं, सुधार लेते हैं। ये मैं नहीं, मेरी माँ कहती थी। मेघा, 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 तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, पूछो क्या? पहेलियां बुझाने का मेरा मूड नहीं है।
आज शाम को कमानी हॉल में अनुराधा पोडवाल और कुमार शानू का प्रोग्राम है। ये लो उसके टिकेट, गो एंड एंजॉय। मुझे नहीं जाना, यू गो एंड एंजॉय। अरे तुम्हारे पसंदीदा सिंगर का प्रोग्राम है और तुम मना कर रही हो। मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। समझ गया, यानी जीजा जी को अब तक भुला नहीं पाई तुम। नहीं भूलूंगा, मैं कोई लैला नहीं और वो कोई मजनू नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है तुम्हें, कुछ बताओगे भी? कहा ना कोई दुख नहीं है, कितनी बार कहूं। देख बेटी, जब तक तू ठीक नहीं होती ना हमें भी चैन नहीं आएगा। जा जाके प्रोग्राम देखिए, जा ना, जा बेटा जा प्रोग्राम देखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, साज और आवाज की इस महफिल में आप सबका स्वागत है। आज की शाम अनुराधा पोडवाल और कुमार शानू को पेश करते हैं मशहूर संगीतकार मेलोडी किंग अनु मलिक। जहाँ बहता है गंगा का पानी, ये राजा वहीं का है रानी। तुझे धोखा न देगा, तेरा रहेगा ये दिल है हिंदुस्तानी। कसम से सनम प्यार तुमसे, करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहे। कसम से कसम से कसम से कसम से छोड़ के ऐसे हमें कहां तू चली। चूम ले आजा तेरे होठों की कली। तो आ यूं न सता, तेरी यादों पे फिदा हम छोटे हो। कसम से सनम प्यार तुमसे, करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे। कसम से सनम प्यार तुमसे, करते करते हैं हम उम्र भर करते रहे। कसम से कदम बस न चले, लग जा गले तेरे ख्यालों में नशा है। संभलो जी। कसम से सनम प्यार तुमसे,
कसम से कसम से कसम से कसम से। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके चहेते कलाकारों को सुनने का यह सौभाग्य हमें मिस्टर विजय और मेघा विजय विश्वनाथ से प्राप्त हुआ है। अब मैं स्टार प्रोड्यूसर डॉक्टर डी रामा नायडू से प्रार्थना करूंगा कि वो मेघा विजय विश्वनाथ के हाथों इन कलाकारों का सम्मान करवाएं। डॉक्टर डी रामा नायडू। हेलो। ओ हेलो सर। मैडम प्लीज कम टू द बैक। प्लीज कम प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू। सबके साथ एक तस्वीर हो जाए। वन फोटोग्राफ फोटोग्राफ प्लीज। यस वन मोर सर। कम क्लोजर वेरी क्लोजर। वन मोर प्लीज। वन मोर। थैंक यू मिस्टर देसाई। इट वाज अ ग्रेट शो। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ सर। आइए मैडम बैठिए बैठिए प्लीज। जी थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। और कैसा लगा प्रोग्राम? तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि आज तुमने अपने फेवरेट सिंगर्स का अपने हाथों से सम्मान किया, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। मिस्टर विजय, आज आपने जो कुछ भी किया है ये सब आपका दिखावा था। गाड़ी रोकिए, मैं बस से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा ना? क्या भरोसा, शादी करके एक साल बाद छोड़ देने वाला आदमी बीच रास्ते ही छोड़ दे? ये मौका मैं आपको नहीं दूंगी। कम ऑन मेघा। प्लीज स्टॉप द कार। आई सेड स्टॉप द कार। ओके। साहब, मेघा बिटिया के बिना छोटे मालिक बहुत दुखी रहते हैं। उन्होंने माफी भी मांग ली पर बहुरानी बार बार अपमान कर देती हैं। साहब एक बार आप कह के देखिए ना, आप बुलाएंगे तो जरूर चली आएंगी। जानता हूं बद्री, जानता हूं कि मेरे बुलाने पर मेघा इस घर में आ जाएगी और आने के बाद वो मेरी बहू बनकर इस घर में रह लेगी, लेकिन मेरे बेटे की पत्नी बनकर कभी नहीं रहेगी। देखो जी, रिश्ता कराना हमारे हाथ में था पर रिश्ता निभाना तो उन्हीं के हाथ में है ना। जब तक मेघा के दिल का काव नहीं भर जाता, इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते बद्री। अरे मैंने यहाँ ब्राउन रंग का मैंने बदली है। क्यों? क्योंकि मुझे ब्लू रंग बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि आप पर भी बहुत जचेगा। व्हाट नॉनसेंस, ये तो एकदम स्कूल यूनिफॉर्म की तरह है। मैं तो ब्राउन ही पहनूंगा। प्लीज पहन लीजिए ना, मैंने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए हैं। देखो मेघा, मेरा एक अपना टेस्ट है और वो मैं किसी के लिए नहीं बदल सकता। सॉरी। मैडम, एमडी साहब ने आपको बुलाया है। महाराज स्टार्ट। चलो, मेरे कमरे की हर चीज नीली होनी चाहिए, यानी कि ब्लू। जी। ब्लू कुर्सियां। जी। ब्लू टेबल। जी। ब्लू सोफे। जी। ब्लू प्लीज कमेंट। ब्लू दरवाजे। जी। ब्लू दीवारें। जी। ब्लू पर्दे। जी। ब्लू टेलीफोन। ब्लू पंखे। ब्लू पेन। ब्लू कंप्यूटर। समझ गया महाराज, समझ गया। मतलब आपकी पत्नी को ब्लू पसंद है, इसलिए आप ऑफिस में हर चीज ब्लू साते हैं। राइट। महाराज आप ग्रेट पर्सनैलिटी हो, मतलब पत्नी की पसंद आपकी पसंद, पत्नी का सुख आपका सुख, पत्नी का दुख आपका दुख, पत्नी का ब्लू आपका ब्लू। ऐसा समझने वाले महापुरुष को मेरा माथे पे हाथ रखकर सलूट है जी। थैंक यू जर्मन। थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं है जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारी बातें ब्लू हो, काम ब्लू हो, विचार ब्लू हो। की बात नहीं है जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारे देश का नाम बदल कर हिंदुस्तान से ब्लूस्तान रख देना चाहिए। चेयरमैन अब तुम जा सकते हो। जाने की बात नहीं है जी, मैं तो जाने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा जी कि ये है ब्लू साय और ये है ब्लू बाय। एनी डिक्टेशन सर? यस मेघा जी, ये पीए का क्या मतलब होता है? पर्सनल असिस्टेंट, यानी एक आध पर्सनल बात की जा सकती है। मेरी एड्रेस आपको कैसी लगी? मेरी बीवी का ख्याल है कि ब्लू रंग मुझे बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा लगता हूं मैं। गलत ख्याल था, जिस आदमी का दिल अच्छा ना हो उस पर कुछ अच्छा नहीं लगता।
हेलो, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ जीजा जी। अरे सुधाकर बोलो, कैसे हो? कुछ बात बनी? नहीं अभी तक तो नहीं। तुम्हारी बहन का दिल जीतने के लिए ना जाने और कितने दिन लग जाएंगे। जीजा जी कल मेघा का जन्मदिन है। Really? अरे थैंक्स फॉर टेलिंग मी, थैंक्स। ओके ओके हाँ फिर मिलते हैं। पहन के टको, चोरी के माल को लगाओ मत इतनी देर, माल को मुझे पहुंचाना बीकानेर। रातीलाल जी लगता है हमारा भांडा किसी ने फोड़ दिया है। पहलवान जी काट देते हैं इसका पत्ता, पहुंचा देते हैं इसे कलकत्ता। परम पिता परमेश्वर, मार मार के पहुंचा दिया महाबलेश्वर। गुड मॉर्निंग मेघा। Many, many happy returns of the day. Hi. Hi. Hi, Megha. ये सुबह सुबह ऑफिस में क्या हो रहा है? जन्मदिन है Megha. किसका? अपने बॉस की बीवी का। और तुमको पता है उन्होंने ना सारे स्टाफ को एक एक महीने की सैलरी बोनस में दी है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बोनस तो दिवाली और दशहरे पे मिलता है, बीवी के बर्थडे पे थोड़ी। उसी बात तो आपकी सोलाने सच है, पर अपने विजय बाबू के लिए क्या है ना जी, पत्नी का जन्मदिन ही दिवाली है, जन्मदिन ही दशहरा है, जन्मदिन ही होली है, जन्मदिन ही नया साल है, और इसलिए ना ये जन्मदिन का बोनस है और ये जन्मदिन की मिठाई का डिब्बा है। व्हाट अ ग्रैंड बर्थडे। लगता है हमारे बॉस अपनी बीवी से बड़े प्यार करते हैं। ओजी सिर्फ प्यार, मेरी कैलकुलेशन तो कहती है कि विजय साहब का प्यार, विजय साहब का दुलार, विजय साहब की कार, विजय साहब का बार, विजय साहब के दिल का तार तार ना अपनी पत्नी के लिए मैन्युफैक्चर हुआ है बस।